बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हो इस सेल्फ लव की जर्नी को अपनी सेल्फ को पूरी तरह वो लव दे सकते हो ना जो आप चाहते हो दरअसल एक सिंपल सी चीज़ें समझिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है मान लीजिए आप खुद आपकी जो सेल्फ है आप खुद एक ग्लास की तरह हो ठीक है ये ग्लास को अभी तक जब तक आप मेडिटेशन करते हो प्रेयर करते हो टेक्निक्स करते हो तो ये ग्लास फिर भी आधा भरता है पूरी तरह वो भर नहीं पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज कमी रह जाती है इस ग्लास को पूरा भरने में मतलब आपकी सेल्फ को कंप्लीट होने में जैसे ही आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू करते हो ना रोज पूरे दिन में कम से कम एक बार पांच मिनट के लिए से ही, वैसे ही ये ग्लास ना पूरा भरना शुरू हो जाता है और इतना भरते जाता है इतना भरते जाता है कि लास्ट में ये ग्लास से पानी बाहर निकलने लग जाता है ये वाइब्रेशन छलकने लग जाती है बाहर निकलती है आप पूरी पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो फुल ऑफ एनर्जी पॉजिटिविटी से भर जाते हो जैसे ही आपकी सेल्फ लव और ये सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आपकी पूरी सेल्फ को अलाइन करती है ना आप बहुत जल्दी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो क्योंकि हमें कोई भी चीज़ चाहिए हमें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है हम सिर्फ ये चाहते हैं ना कि हम बहुत खुश हों ये चीज़ हमें बहुत कंप्लीट करे इस चीज़ का हम पूरा आनंद ले तो जब आप जब अपने सेल्फ लव को अंदर से भर के पूरी तरह अपने आप को फिल करके सेल्फ लव की पावरफुल लव एनर्जी में भर के किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो ना तो वो चीज़ भी आके आपको वही खुशी देती है जो आप दिल से चाहते हो पर कई बार चाहने में और मांगने में थोड़ी गड़बड़ सी हमसे हो जाती है हम पूरी तरह अपने आप को वो लव दे वो बहुत खुशी से मांगते नहीं हम बहुत परेशानों के चिड़चिड़ा के चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं कई बार चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है कई बार मैनिफेस्ट होने के बाद भी उतनी खुशी नहीं देती आप परेशान हो रहते रहते हो आपको लगता है कि यार ये वर्क नहीं कर रहा है कुछ प्रॉब्लम है कुछ कमी है ये उतनी डीपली मुझे खुशी नहीं मिल रही है जो चीज़ मैंने सोची थी तो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आपकी सेल्फ लव में कमी है पर आज मैं आपके साथ इस टेक्निक में ऐसी कुछ चार पांच बातें शेयर करूंगी जिससे आप अपनी सेल्फ लव बहुत ज्यादा पावरफुल कर सकते हो सेल्फ लव की जर्नी को सेल्फ लव ये सिर्फ वर्ड नहीं है खुद से प्यार करना ये सिर्फ वर्ड नहीं है ये सिर्फ शब्द नहीं है अपनी आत्मा से अपनी सोल से अपने आप को वो लव दे देना ना कि वो लव आपके अंदर से निकल के बाहर जाए और आपके पास वापस आए जब आप पूरी तरह लव वाइब्रेशन से भरे होगे ना तो आपके अगल बगल भी जो चीजें होंगी ना वो लव वाइब्रेशन से रिलेटेड होंगी जो आपकी लाइफ में बहुत खुशी भर दे। देखा अक्सर किसी लोगों को आप देखते हो कि यार इसकी लाइफ क्या है क्या औसम है इसके पास सब कुछ है भगवान भी इसे देते रहते हैं सबको इसे देते रहते हैं तो, तो सब कुछ मिल जाता है तो पर्सन ही लकी है ऐसा इसलिए होता है कि उसकी सेल्फ लव वाली चीज़ है ना वो उसने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया अपने आप को पूरा होल एंड कंप्लीट उस पर्सन ने समझ लिया जब आप अपने आप को वो लव वो वाइब्रेशन वो पॉजिटिविटी दे देते दे हैं दे ना आपको सब कुछ मिल जाता है अब आपको क्या करना है आपको पूरे दिन में कभी भी जब आपके पास टाइम हो शांत जब आपके घर का माहौल हो आपको शीशे के पास जाना है जैसे ही आप मिरर के पास जाओगे अक्सर हम मिरर में क्या देखते हैं देखो सबसे पहले समझो ये मिरर टेक्निक कैसे वर्क करती है अगर मान लो आपको किसी पर्सन ने आज यूं ही कह दिया कि यार तुम तो आज बड़ी सुंदर लग रही हो बहुत अच्छे लग रहे हो या बहुत अच्छी लग रही हो बहुत अच्छे लग रहे हैं हम उसे कई बार ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं हट झूठे मजाक कर रहे हैं कई बार ऐसे लोग कहते हैं थैंक्स भाई ठीक है हम उस कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं और घर आने के बाद जब हम शीशे में खुद को देखते हैं ना तो उसी कमेंट को याद करके अपने आप को देख के स्माइल करते हैं कि यार मैं सच में अच्छा लग रहा हूँ यार बड़ी अच्छी लग रही है कपड़े में बहुत अच्छा लग रहा हूँ एंड वो थॉट वो वाइब्रेशन ना हम शीशे में खुद के आगे देखते हैं और स्माइल करके आंखों में आंखें डाल के अपनी सेल्फ को देखते हैं अपने आप से बातें करते हैं ना वो भी वो पर्सन है ना भी कोई इंसान है बट फिर भी अपने लिए जो लव है ना वो हम रेडिएट करते हैं उस सामने वाले खड़े पर्सन को सेम ऐसे सेल्फ लव और ये मिरर टेक्निक वर्क करती है आपको क्या करना है मेरी बात समझ लो जब आप पूरे घर पे आपके शोर वोर ना हो रहा हो मतलब आपकी बातें आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो आपका और आपके सेल्फ का ना रूबरू बन आप और आपकी सेल्फ बस हो और कोई ना हो जैसे ही आप सामने जाओ उसके बाद आपको अपनी आंखों में आंखें डाल के के बात करनी और अपने आप को दिल खोल आनी खो। वो अपनी हार्ड एनर्जी को ओपन करके खुद से बात करनी है जैसे ही आप खुद से ऐसे बात करोगे देखो हम अक्सर शीशे में क्या देखते हैं हम अक्सर देखते हैं शीशे में ये शर्ट ठीक लग रही है ये कुर्ती ठीक है मेरे बाल सही है मेरी लिपस्टिक परफेक्ट है मेरी आंखें ठीक है इस तरह की चीजें देखते हैं और अगर आंखों में भी देखते हैं ना तो हम ये देखते हैं काजल तो सही लगा है सब चीज ठीक है हम चीजों हम अपने बॉडी को देखते हैं हम अपने सोल को कभी आंखों से नहीं देखते हैं कहते हैं ना आंखें बहुत कुछ बताती हैं आप, आप कैसे पर्सन हो आपकी आईज बहुत कुछ कहती कई बार वर्ड्स नहीं जो कह पाते ना आपकी आंखें कह देती आपकी वाइब्रेशन कह देते तो वैसे ही आपको अपनी आंखों में देखना है खुद की आंखों में देखना और इतना प्यार लेके खुद को पूरा फुल करके कहना है और यार आंखों में देख के कहना है आई लव यू आई लव यू सो मच जैसे मेरा नाम स्वीटी आपका नाम जो भी हो आप कह दे स्वीटी आई लव यू सो मच मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यू आर होल एंड कंप्लीट तुम बहुत परफेक्ट हो इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें जैसे अगर आपको अपनी स्किन ठीक करनी है आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है मैनिफेस्ट करना है कि वो चीज़ आपको अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने आप से बात करके अपने आप को कहना है कि यस जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो आपके पास है मतलब जो चीज़ तुम चाह रही हो वो तुम्हारे पास है खुद से ऐसे बोलना खुद की सेल्फ को बोलना है अपने उस शीशे शीशा कभी झूठ नहीं कहता आईना कभी झूठ नहीं कहता जैसे ही आप शीशे में सामने खड़े होकर इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप से बोलते हो ना बातें करते हो ना आप खुद चेंज होने लग जाते हो आपकी सेल्फ खुद चेंज होने लगी ये मेरा टेक्निक अगर आप रोज करते हो तो आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई करते हो और जब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे आप चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करोगे आप सोच नहीं रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए आपने बस एक थॉट आया कि यार मुझे इस चीज़ की जरूरत है चीज़ें खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाएंगी जिस पर्सन के लिए आप सब कुछ कर रहे हो ना वो पर्सन आपके आगे पीछे घूमेगा जिस चीज़ को आप चेज कर रहे हो चीज़ें आपको चेस करेगी जब आप अपने आप को सेल्फ लव प्रायोरिटी समझते हो ना मतलब पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ब्रश करना हमारा इंपॉर्टेंट काम है उस तरह के काम समझते हो ना तो चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं और फटाफट मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं सो so गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए बाय बाय